हिमाचल में आचार चुनाव संहिता के कारण कंडक्टर भर्ती प्रक्रिया में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में अड़ंगा बना हुआ है। प्रदेश में एचआरटीसी में भी 600 के करीब कंडक्टर अभ्यर्थी भी आदर्श आचार संहिता के कारण रोजगार पाने में असमंजस में फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावों के कारण कंडक्टर भर्ती में इंटरव्यू होने के बावजूद भी परिणाम नहीं निकल पाया है, लेकिन अब एचआरटीसी में कंडक्टर की कमी जल्द ही दूर होने वाली है और बाकायदा इसके लिए एचआरटीसी विभाग ने 600 के करीब पात्र अभ्यर्थियों के इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिन्हें आचार संहिता खत्म होते ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। एचआरटीसी के आरएम अनूप राणा ने पुष्टि करते हुए बताया कि कनेक्टरों की नियुक्ति होने से प्रभावित हो रहे कामकाज ठीक से हो सकेंगे। हमीरपुर एचआरटीसी के आरएम अनूप राणा ने बताया कि एचआरटीसी में 600 के करीब अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश में आचार संहिता लगने से नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे अब आचार संहिता खत्म होते ही एचआरटीसी विभाग में कनेक्टरों के खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। टोटल हिमाचल में 600 कुछ पोस्टें हैं जिसके लिए इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन आचार संहिता के बाद नई नियुक्तियां होनी है। 15-20 पोस्टें यहाँ भी खाली हैं जो कौशल विकास बच्चे वाले से हम कंडक्टरों